नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं चंद्र ग्रहण जो कि 7 अगस्त सन 2017 को लगने वाला है, जिस दिन रक्षाबंधन का भी दिन है। तो उस दिन उस चंद्र ग्रहण का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बारी है दोस्तों मकर राशि की। मकर राशि के लोग जो भी हैं या मकर लगन के जो लोग हैं वो थोड़ा सावधान अवश्य रहे, क्योंकि ये जो ग्रहण है आप ही के लगन और आप ही की राशि में लगने जा रहा है। मकर राशि के लोगों के लिए चंद्रमा जो है उनके सप्तम स्थान का मालिक है और लगन में उनके वो ग्रहण लगेगा। तो दोस्तों, मकर राशि वाले लोगों को खास तौर से, क्योंकि लगन हम स्वयं खुद होते हैं, अपनी सेहत के लिए खास तौर से उनको खास ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सेहत से जुड़ी, अपने शरीर से जुड़ी समस्याएं उनको उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि उनके लगन में ही चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह से टोटली वो कंफ्यूज रह सकते हैं। कहीं ना कहीं एक विचार आएगा, दूसरा विचार जाएगा, तो विचारों में कहीं ना कहीं दिक्कत और दूसरों के साथ विचारों में मतभेद भी आ सकते हैं। इसके अलावा सप्तम स्थान का मालिक है चंद्रमा, तो ऐसे विचार जो है कहीं ना कहीं पति पत्नी संबंधों में भी कुछ कड़वाहट उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि सातवां घर आपकी डेली इनकम या आपके पार्टनर का भी है, तो यानी अगर आप पार्टनरशिप में कुछ व्यापार इत्यादि कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ भी कुछ वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस चीज को लेकर के मकर राशि या मकर लगन के लोगों को खास तौर से सतर्क रहना होगा। परंतु ऐसा नहीं, जैसा मैं कहता आया हूं, कि डराने के लिए नहीं है ज्योतिष, आप उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आप स्वयं भी अपने मन को अगर अच्छा रखें तो बेटर होगा। वाद विवाद में आप ना पड़े, कहीं ना कहीं उससे बेटरमेंट हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कुछ विवाद हो सकता है तो दूर रहें ऐसे विवाद से। और ऐसा नहीं है कि ये पूरे साल भर आपको ऐसा मिलने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कभी भी ग्रहण लगने वाला होता है उससे 5-7 दिन पहले उसका इफेक्ट आता है और उसके 5-7 दिन बाद तक ही उसका इफेक्ट रहता है। यानी ये इफेक्ट आपको 1 अगस्त से लेकर के कहीं ना कहीं 15 अगस्त के बीच तक का ही ये इफेक्ट रहेगा, जिसमें आपको थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसमें आपने अपने शरीर का आपको खास तौर से ध्यान रखना, अपने लगन का ध्यान रखना है कि आप बीमार ना पड़े। अगर कुछ बाहर खा रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करें कि आप जल्दी बीमार ना पड़े। पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और वाद विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं या कुछ मतभेद उत्पन्न होते चले जा रहे हैं या शारीरिक कष्ट ज्यादा है, तो उसके लिए बहुत सिंपल उपाय मैं बताऊंगा। राहु और केतु का यदि आप उपाय करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे बेटरमेंट होती चली जाएगी और जिस हिसाब की समस्याएं आनी है उस हिसाब की समस्याएं नहीं आएंगी। अगर बहुत ज्यादा होंगी तो वो थोड़ी कम हो जाएंगी। करना क्या है आपको, आटा लेना है, गेहूं का आटा, और उसके साथ देसी खांड, देसी खांड हम बूरा चीनी को भी बोलते हैं, इसके साथ काले सफेद तिल, इन 4 चीजों का मिश्रण करके मिक्सी में पीस करके यदि आप रेगुलरली कीड़े चीटे कीड़े मकोड़ों को यदि रेगुलरली आप डालें 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में, तो ये जो ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। यदि फिर भी आपके विचारों में थोड़ा सा और ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल मिला करके यदि रोज स्नान करेंगे तो आपके विचारों में भी कहीं ना कहीं स्थिरता आती चली जाएगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा, यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।